नमस्कार, आज हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट्स EL-204 में टॉपिक पढ़ेंगे RC लो पास फिल्टर और उसके वर्किंग इंटीग्रेटर की तरह कि वो RC लो पास फिल्टर क्या होता है और वो इंटीग्रेटर की तरह कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले RC लो पास फिल्टर क्या होता है। RC लो पास फिल्टर वो फिल्टर जो 0 हर्ट्ज से लेकर एक फ्रिक्वेंसी हो जिसे हम कहते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक के सिग्नल को पास करे तथा उससे हायर फ्रीक्वेंसी के संकेत को ब्लॉक कर दे या एटेन्यूएट कर दे, वो कहलाता है लो पास फिल्टर। यानी जो लोअर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को तो पास करता है तथा हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ब्लॉक करता है वो लो पास फिल्टर कहलाता है। इसे इसे यानी R और C के सीरीज कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, इसलिए इसे RC लो पास फिल्टर कहा जाता है। तो बनावट में यदि देखें तो बनावट में इसमें रहेंगे R, रेजिस्टेंस R तथा C सीरीज में होते हैं, जिसमें R की पोजीशन इनपुट वोल्टेज के सीरीज में तथा कैपेसिटर C के अक्रॉस में हमें आउटपुट ली जाती है। तो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि R और C सीरीज में है और जो वोल्टेज सी के क्रॉस में आएगी वही हमारी आउटपुट वोल्टेज रहेगी। तो हमने पढ़ा है कि सीरीज में वोल्टेज का जब डिवाइड करते हैं तो होता है कि तो क्या हो जाएगा XC यानी सी की इम्पीडेंस प्लस में कुल इम्पीडेंस XC प्लस R और अप्लाइड में इनपुट वोल्टेज, जहां क्या है XC इज इक्वल टू है 1/ωC। तो ये हमने देखा, जब इसकी वर्किंग को यदि देखते हैं कि यह कार्य कैसे करेगा, तो जब F इज इक्वल टू 0 तो XC का मान हो जाएगा 1/ωC इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, अर्थात ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। तो हमारी VOT इज इक्वल टू हो जाएगी VIT। जब F का मान और अधिक इंक्रीज करेंगे तो XC का मान डिक्रीज होगा, जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज का मान भी क्या होगा डिक्रीज हो गया, क्योंकि VOT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XC। तथा जब F इज इक्वल टू इनफाइनाइट यानी बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी, तो XC का मान हो जाएगा 0, अर्थात शॉर्ट सर्किट होने के कारण आउटपुट वोल्टेज का मान हो जाएगा 0। तो इनिशियल केस में आउटपुट इनपुट के बराबर रहेगी, फिर ये डिक्रीज होगी और फाइनली ये 0 हो जाएगी। तो ये है हमारी इसकी वर्किंग। तो नेक्स्ट जब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, यदि ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस प्रकार रहेंगी। तो करेक्टरिस्टिक्स में ड्रॉ करने पे ये ड्रॉ की जाती हैं गेन वर्सेज फ्रीक्वेंसी में। तो इनिशियली ये आउटपुट इनपुट के बराबर रहती है और फाइनली ये डिक्रीज होते होते 0 चली जाती है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो एक फ्रीक्वेंसी जिसे हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं वो होती है जब मैक्सिमम का 0.707 हो जाए, तो ये कहलाती है हमारी FC यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम 3 dB फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये है इसका प्रैक्टिकल ग्राफ जो हमें प्रैक्टिकल फिल्टर का रहता है। और आइडियल यदि इस ग्राफ की बात करें तो आइडियल ये कैसा होना चाहिए, एक शार्प होना चाहिए कि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल को तो पास करेगा और उससे ऊपर के फ्रीक्वेंसी संकेत को ये ब्लॉक कर देगा। तो ये इसका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पास बैंड, और ये इसका कहलाएगा नेक्स्ट इसका स्टॉप बैंड। इसी प्रकार ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक का यदि ये क्या कहलाएगा, पास बैंड कहलाएगा, और ये कहलाएगा इससे आगे का स्टॉप बैंड। तो यदि इसकी हम डेरिवेशन की बात करें कि इसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या डेरिवेशन है या किस में क्या मान रहेगा, तो डेरिवेशन ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी
तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा है कि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू होता है एक्स सी अपॉन एक्स सी प्लस आर इनपुट वोल्टेज। यदि आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट का रेशियो ले लेते हैं तो यह हो जाएगा एक्स सी डिवाइड बाय एक्स सी प्लस आर। और यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी आउट डिवाइड बाय वी इनपुट का मैग्नीट्यूड रहेगा एक्स सी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय एक्स सी प्लस आर का मैग्नीट्यूड। तो एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसा कि हमने पढ़ा कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम वैल्यू का 0.707 हो जाता है, जिसे हम कहते हैं 1/√2। तो एट की वी आउट डिवाइड बाई वी इनपुट यानी गेन क्या रहेगा 1/√2 रहेगा। दिस इम्प्लाइज हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू एक्स सी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई एक्स सी प्लस आर का मैग्नीट्यूड, और ये क्या रहेगा 1/ωc डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस 1/ωc का स्क्वेयर, रियल पार्ट का स्क्वेयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर। एक्स सी का मान क्या है 1/ωc। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं स्क्वेयर कर देते हैं दोनों तरफ, जिससे कि ये 1/√2 क्या 1/2 में कन्वर्ट हो जाए। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि 1/2 इज इक्वल टू 1/ωc का स्क्वेयर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर प्लस 1/ωc। क्रॉस मल्टीप्लाइंग यानी ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा, तो आर स्क्वेयर प्लस 1/ωc का स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 1/ωc का स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज हो जाएगा कि आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/ωc का स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज यानी यदि अंडर रूट ले लेते हैं तो आर इज इक्वल टू 1/ωc यानी ओमेगा का मान हो गया 1/RC, और यदि फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 1/2πRC। तो ये है इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन, ये क्या कहलाती है इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी लो पास फिल्टर की यदि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो होती है 1/2πRC। इसी प्रकार डेरिवेशन ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन की यदि हम बात करें कि इसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या रहेगा उसकी बात करें, तो उसके लिए हमें सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना होगा कि ये R है, ये C है, ये V आउट है, ये V इन है, ये C, ये R। तो इसमें एक करंट फ्लो करेगा जो रहेगा IT। तो अप्लाइंग KVL, अप्लाइंग KVL हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कि VIT इज इक्वल टू R इंटू IT प्लस में VOT, तथा VOT बराबर क्या रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस में जो वोल्टेज रहेगी उसका फॉर्मूला होता है 1/C इंटीग्रेशन ऑफ IT। इसे इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो हमें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो DV0T डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू 1/C इंटू IT। तो यहाँ से IT का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास C इंटू DV0T डिवाइड बाई DT। तो इस मान को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन 1 तो क्या हो जाएगा VIT इज इक्वल टू RC DV0T डिवाइड बाई DT प्लस V0T। अब इसका ले लेंगे लैपलेस, तो टेकिंग लैपलेस बोथ साइड तो VIS, क्योंकि लैपलेस लेने पर टाइम डोमेन फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी एस में परिवर्तित हो जाएगा, और डी वी नोट डी डिवाइड बाई डी टी का
लैपलेस होता है s इंटू वी नोट s प्लस वी नोट s यूजिंग डिफ्रेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ लैपलेस। तो नेक्स्ट हमारा हमारे पास आया है इक्वेशन क्या बनी है कि वी आई एस इज इक्वल टू आर सी एस इंटू वी नोट एस प्लस वी नोट एस। वी नोट एस को ले लेते हैं हम कॉमन, तो आर सी प्लस वन एस प्लस वन। यदि आर सी इज इक्वल टू टाउ यानी टाइम कांस्टेंट पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि वी आई एस इज इक्वल टू वी नोट एस वन प्लस एस टाउ। दिस इम्प्लाइज वी नोट एस डिवाइड बाय वी आई एस इज इक्वल टू हो जाएगा वन बाई वन प्लस एस टाउ। तो दिस इम्प्लाई एच एस यानी ट्रांसफ़र फंक्शन का मान हो जाएगा वन बाई वन प्लस एस टाउ। ये है हमारे लो पास फिल्टर का ट्रांसफ़र फंक्शन। तो ये हमने ट्रांसफ़र फंक्शन का डेरिवेशन कर लिया। तो नेक्स्ट है आरसी लो पास फिल्टर एज एन इंटीग्रेटर, कि ये इंटीग्रेटर की तरह कैसे कार्य करता है। तो उसके लिए दो कंडीशन होती हैं कि लो पास फिल्टर हमारा इंटीग्रेटर की तरह कार्य करेगा यदि दो कंडीशन फुलफिल हो जाएं। तो कंडीशन नंबर वन होती है कि टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू आर सी का मान हमारे इनपुट संकेत का मान हमारे निवेशी संकेत के टाइम पीरियड टी से बड़ा होना चाहिए। यानी टाउ इज ग्रेटर देन टी। और कंडीशन दो है कि रेजिस्टेंस आर का मान ग्रेटर ग्रेटर देन एक्स ही होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हमारा लो पास फिल्टर एक इंटीग्रेटर की तरह कार्य करता है। तो कैसे करेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे सर्किट को दोबारा से रीड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए ये हमारा सर्किट और ये सी इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज। तो हमने क्या कहा कि सिंस आर इज ग्रेटर ग्रेटर देन एक्सी, इसलिए वी आर टी का मान लगभग बराबर रहेगा इनपुट वोल्टेज का, क्योंकि आर एक्सी की तुलना में बहुत बढ़िया है। तो सारी की सारी इनपुट वोल्टेज आर के अक्रॉस में ही ड्रॉप हो जाएगी। तो वी आर टी इज नियरली इक्वल टू वी आई टी। दिस इम्प्लाइज आर इंटू आई टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आई टी। और यहाँ से आई टी का मान निकल के आ जाएगा आई टी इज इक्वल टू वी आई टी डिवाइड बाई आर। तो यदि हम केवीएल लगाते हैं इस लूप में तो इक्वेशन अप्लाइंग केवीएल इन
लूप तो वी आई टी इज इक्वल टू आर इंटू आई टी प्लस वी ओ टी तथा वी ओ टी का मान हमारे क्या रहेगा, वी ओ टी का मान रहेगा 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी। तो इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन नंबर 2 यानी वी नोट टी इज इक्वल टू क्या है 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई टी। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ आई टी इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन आर, तो हमारी इक्वेशन वी नोट टी इज इक्वल टू हो जाते हैं 1/c इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टी डिवाइड बाई आर, आर आ जाएगा बाहर, तो 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टी डी टी इंटू डी टी। तो 1/RC को ये हमारे क्या हो गया टाइम कॉन्स्टेंट टाओ। तो ये इक्वेशन बन जाती है कि वी नोट टी इज इक्वल टू 1/tau इंटीग्रेशन ऑफ वी आई टी डी टी। तो उपरोक्त समीकरण यह दर्शाती है कि हमारा RC लो पास फिल्टर एक इंटीग्रेटर की तरह कार्य करता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा है कि लो पास फिल्टर RC लो पास फिल्टर क्या होता है, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है, और हमारा लो पास फिल्टर एक इंटीग्रेटर की तरह कार्य कैसे करता है। तो आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि RC हाई पास फिल्टर क्या होता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी, उसका ट्रांसफ़र फंक्शन क्या रहेगा, उसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, और वो डिफरेंशिएटर की तरह कार्य किन कंडीशन में करेगा। धन्यवाद।